नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो आज हम एक जो गणित की सीरीज चला रहे हैं, जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो गणित स्पेशल सीरीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने घन, घनमूल, वर्गमूल और करणी, करणीघात, ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, दो तीन टॉपिक। सो आज हम जो घनमूल की अवधारणा है कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे, घन कैसे, घन और घनमूल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम पहले घनमूल के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले आप ये टॉपिक समझ लीजिए। एक तो रामानुजन संख्या के बारे में आपको समझना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो फर्स्ट पेपर है, मतलब डीएलएड का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, ओके, जिसमें कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधनों और क्षमताओं का विकास, ये जो टॉपिक है, चैप्टर जो पहला पेपर है आपका, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि गणित का भी रिलेटेड है इसमें आपका पहले पेपर में। सो आप रामानुजन संख्या के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये पिछले कई ईयर्स में आ चुका है इससे पहले। ओके, तो रामानुजन संख्या, चूंकि रामानुजन एक गणितज्ञ थे तो उन्होंने ये संख्या दी थी। सो इनके कहने का अर्थ क्या है, रामानुजन संख्या हम किनको कहते हैं, सो वैसी लीस्ट नेचुरल नंबर, मतलब लीस्ट का मतलब वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम दो अलग अलग घन संख्याओं के सम के रूप में लिख सकें, कोई दो अलग अलग संख्याओं के घन के रूप में अगर हम लिख सकें उसको, तो वैसी संख्या को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 1729 संख्या, ओके, देखिए जो 1729 संख्या है, 1729 संख्या है, इसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इसको हम दो तरह के लिख सकते हैं, एक तो इसको हम 10 का क्यूब, देखिए 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, इसको आप लिखिए, देखिए इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, और 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और देखिए इन दोनों का अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर जो है एक ही आएगा। देखिए 10 की घात 3 क्या हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, ठीक, प्लस 9 की घात 3 क्या हो जाएगा, 9 की घात 3 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो 9 9 81 9 729, सो 729 से हो जाएगा आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, और अब इसको देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 1729 ही उसका उत्तर आएगा। और 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है, आप करके देखिएगा, 12 × 12 × 12 = 144 के जब हम फिर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1728 आएगा, प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ भी आपका 1729 आएगा, आप करके देख लीजिएगा इसको, अभी हम सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं केवल। सो 1729 क्या हो जाएगी, अब देखिए 1729 को हम दो अलग अलग घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए एक घन संख्या का योग ये हो गया और एक घन संख्या का योग ये हो गया, इसलिए 1729 जो है ये आपकी रामानुजन संख्या है। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझा, आपको ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि 1729 निम्न में से कौन सी संख्या रामानुजन संख्या है, तो 1729 अगर आती है तो आपका वो सही उत्तर होगा। ओके, और हमने क्या डिस्कस करना है, ये आपका अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेट थ्योरी से, जो संख्या पद्धति है, जो संख्या पद्धति है आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इंटर में भी पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, सो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन अगला वाला, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, सो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी, इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा। देखिए आप ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट अगर समझते हो, देखिए एक चीज होती है ए यूनियन बी, ओके, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब है सभी को साथ में लेकर चलना, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो चीज कॉमन हो दोनों में। ओके, सो देखिए हम एग्जांपल के तौर पे कोई संख्या ले लेते हैं, सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फोर्थ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें सेट थ्योरी नाम का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी उससे अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इसको आप कर लीजिए, कि हो सके, हो सकता है कि अगर दोबारा कभी रिपीट हो जाए क्वेश्चन इस साल भी, तो आप कर लो उसको। देखिए कोई हम सेट ले रहे हैं, मान लीजिए सेट ए की वैल्यू है क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से संख्याएं हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1 3
पाँच, ठीक, सात, ये हो गया। बी में क्या है, बी में हम मान लीजिए ले रहे हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है वही हम करा रहे हैं, पाँच, सात, आठ और नौ, इन चार को हम ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए इंटरसेक्शन का अभी हमने ऊपर आपको मतलब यूनियन का मतलब क्या बताया, सभी को साथ लेकर चलना, तो यूनियन का मतलब है सभी को आप लिखेंगे, मतलब जो संख्याएं दो बार आई हैं उसको दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है लेकिन सभी को लिखना है। जैसे देखिए कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी इसमें, एक हो जाएगा आपका, ओके, तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ओके, सात हो जाएगा, आठ और नौ, तो इसमें ये संख्याएं आएंगी। और जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो दोनों में, अब देखिए दोनों में कौन कौन सी कॉमन है संख्या, पाँच यहाँ भी है, पाँच यहाँ भी है, सात यहाँ भी है, सात यहाँ भी है, ओके, तो दो ही संख्या है बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो पाँच और कामा सात, ओके, ऐसे आपको करना है, यही इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि आप कंठस्थ हो जाए जिससे। जैसे ए कोई सेक्शन, ए कोई सेट है और बी सेट है, तो ए सेट में कौन कौन से मेंबर है, मान लीजिए हम मान लेते हैं दो, चार, छः, आठ, दस और बारह, ठीक, और बी में कौन कौन से हैं, बी में मान लीजिए हैं, मानते हैं हम, देखिए चार, सात, आठ, नौ, ग्यारह और बारह, मान लीजिए ये दो सेट हम मान लें, दो सेट आपको देने हैं, दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपको निकालने हैं, और सिंबल को आप समझेंगे कैसे, देखिए यू यूनियन यू से शुरू होता है और इसका सिंबल भी आपका यू होता है, तो आप एक याद रखिए दूसरा आपको याद रहेगा। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, सबको आपको साथ में लेकर चलना है, तो क्या सबको साथ में लेके, कोई रिपीट नहीं करना है लेकिन संख्याएं सभी लिखनी है, जैसे दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, सात हो गया, ठीक, आठ हो गया, नौ हो गया, दस हो गया, ग्यारह हुआ और बारह, मतलब सभी संख्याओं को लिखना है लेकिन जो दो बार हैं तो उनको हम एक ही बार लिखेंगे, उनको डबल नहीं लिखना है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए कौन कौन सी कॉमन है, चार कॉमन है, ओके, आठ कॉमन है और बारह कॉमन है, बाकी कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, ओके, सो यही आपका उत्तर हो गया, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको करना है, ओके, अब आप ऐसे ही करिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। वैसे तो कहने को तो इस तरह से भी आ सकता है कि ए यूनियन, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जब टफ करना होता है तो ए इंटरसेक्शन कह देता है ए यूनियन बी का निकालिए, ओके, या कह देता है कि ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालने को, ऐसे भी कर सकता है लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन अगर आएगा भी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो कि जनरल क्वेश्चन था इसलिए आ चुका है एक बार, इसलिए हमने ये डिस्कस कर दिया, और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने अभी पहले डिस्कस किया था इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 में आया हुआ है, ओके, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हों, देखे हों अगर, तो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, ओके, सो ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि रिपीट होगा अगर, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कर लेने हैं, ओके, ये दो वीडियो हमने, ये वीडियो हमने डिस्कस किया, ओके, अगला वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम जो घनमूल का कॉन्सेप्ट है, घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, ओके।